जैसे यीशु ने कहा, आज मैं तुमसे कहता हूँ। मुझे पता नहीं आज मैं किससे कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं, शायद यहाँ कोई लोग होंगे जिन्हें आज ये चाहिए। मैं आपको यीशु के शब्द कहता हूँ जो उसने उस स्त्री से कहा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, जाओ और फिर पाप न करना और आशीष पाओ और प्रभु की आशीष की परिपूर्णता में चलते जाओ। Unto Jesus be all glory, power and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from his throne. To his own, his anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt him, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify. आपको आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है। यदि आपको लगता है कि पा लिया है, यदि लगता है कि आप वहां पहुंचे हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं मेरे दोस्तों। हम में से कोई नहीं पहुंचा। यदि पौलुस नहीं पहुंचा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप नहीं पहुंचे हैं, और मैं नहीं पहुंचा हूं। तो हम क्या कर रहे हैं यदि नहीं पहुंचे हैं? तो वो कहता है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, इसका अर्थ है कि मैं सारी चीजों के बारे में पूरी तरह से ज्ञान नहीं रखता, वो कहता, पर मैं दौड़ा जाता हूं। देखिए, हम सब यही तो कर रहे हैं। हम चर्च में क्यों आते हैं? हम मसीह जीवन में प्रतिदिन क्या करते हैं? दौड़ा जाता हूं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, दौड़ा जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। उसने मुझे क्यों पकड़ा? उसने मुझे क्यों थाम लिया? मैं तो बाहर कहीं था, मैं इन्हीं सड़कों पर भटकता था, पुरुषवाक्यम में। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं इस जगह पर खड़े रहकर प्रचार करूंगा। इन्हीं सड़कों पर मैं बस यहां वहां घूमता, कोने पर खड़े रहकर कुछ नहीं करता। ज्यादा समय तो बस यहां वहां तीन चार लोगों के साथ में खड़े रहता, केवल बातें करता, 6 बजे से 12 बजे तक कुछ नहीं। और सारे प्रचारक मेरी ओर देखकर कहते, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तो मैं कहता, बस ऐसे ही, बस यही। हर दिन मेरे लिए ऐसे ही था। ऐसा लड़का, यीशु ने क्यों मुझे थाम लिया? यीशु ने मेरे जीवन को क्यों थाम लिया? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? मैं जानता हूं आपकी अपनी कहानी है, जानते हैं। यीशु ने आपको क्यों थाम लिया? आप कहां से आए हैं? आप कहां थे? आप में से कुछ लोग गैर मसीह परिवार से हैं, आपने मसीह को जाना है और ये सब, और आप में से कुछ लोग मसीह परिवार, गहरे मसीह परिवार से हैं। बस इस बारे में सोचिए कि आप यहां क्यों हैं? परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? प्रभु ने आपको मार्ग क्यों दिखाया है? क्यों उसने आपको पकड़ लिया है? उसने आपको पकड़ लिया है कि आप किसी चीज को पकड़ ले। हेलो यानी आप उस काम में रहे कि उसे पकड़ ले जिसके लिए आपको पकड़ लिया गया है। इसे न चूके, बस उद्धार पाकर ऐसे ही जीते न रहें, जीवन ऐसे बिताकर मर जाएं और बाद में स्वर्ग में जाएं। नहीं, आप केवल स्वर्ग में जाने के लिए पकड़े नहीं गए, आप यहां किसी चीज के लिए पकड़े गए हैं। यहां आपको कुछ प्राप्त करना है,
कुछ है जिसके लिए डटे रहना है, आगे बढ़ना है। और वो क्या है? हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। इसका अर्थ यह है कि मैं नहीं सोचता कि मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ समझ गया हूं। नहीं नहीं, वो कहता मैं वहां नहीं पहुंचा, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाता हूं। ये मुझे बहुत ही पसंद है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जो बातें पीछे रह गई उसे भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूं। बहुत से लोग अच्छा भविष्य नहीं पा सकते हैं बुरे भूतकाल के कारण। आपका भूतकाल आपको अच्छा भविष्य पाने से रोक रहा है, यही बहुत से लोगों के लिए सच्चाई है। बहुत से लोग अपना भूतकाल नहीं भूल पाते हैं, अपना भूतकाल निकाल नहीं सकते। वो विश्वासी हुए, उन्होंने बपतिस्मा लिया है और ये सारी चीजें, वो इतने साल से चर्च में, लेकिन फिर भी बोझ के साथ आते हैं और बोझ लेकर घर चले जाते हैं। 20-25 साल से चर्च में जाते हैं, वो अभी भी उसी बोझ के साथ आते हैं और उसी बोझ के साथ वापस चले जाते हैं, और वो अतिरिक्त बोझ के साथ रहते हैं सच कहे तो। और यही अतिरिक्त बोझ उन पर प्रभाव डालता है, उनके जीवन में, उन्नति में, करियर में, उनके विवाह में और हर चीज में। वो भरोसे के साथ नहीं चल पाते हैं। ये अतिरिक्त बोझ उनके पापों के लिए दोष भावना है, उन्होंने जो गड़बड़ियां की है और जो उन्होंने बहुत समय पहले किया था, और ये सब कि जब वो बच्चे थे तब क्या हुआ और इसी तरह से सब कुछ, ये कुछ हैंगअप रहते हैं कि वो अपनी मानसिकता और मन में इसी में फंसे होते हैं। वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, चाहे वो कितना भी चर्च में जाएं, लेकिन इसलिए कि इसे भूलकर आगे बढ़ने की जरूरत को नहीं जानते, भूले बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपको जानना होगा। आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप पर बोझ है, इस सारे लगेज के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप 20 साल तक आगे बढ़ते हैं और यहां से बस वहां जाते हैं, बस इतना ही जानते हैं, ज्यादा दूर नहीं गए, क्योंकि ये भावना और मानसिक और दूसरी चीजें जो अतिरिक्त बोझ वहां पर है, वो पाप के बोझ से भरा हुआ है, दोष से और भूतकाल से, आपकी असफलता से। आप जो पीछे खींचते जा रहे हैं प्रतिज्ञा के देश में आगे बढ़कर प्रवेश करने से, प्रभु की आशीष की भरपूरी से। कुछ लोग अपनी ही गलतियों के बोझ में हैं, उनकी गलतियां, उनके पाप, उन्होंने कुछ भयानक किया है और उनके मन अभी भी उसे नहीं भूले हैं। वो कितने साल से विश्वासी है, लेकिन वो अभी भी सोचते हैं कि 20 साल पहले क्या किया था, जानते हैं, अभी भी उसके बारे में सोचते हैं, अभी भी वो उन्हें रोके हुए हैं, उनका भरोसा दूर करता है। जब भी प्रार्थना करते हैं कहते हैं मैंने उद्धार पाया, शायद मैं स्वर्ग में चले जाऊं, लेकिन प्रभु मुझे इतनी आशीष नहीं दे सकता है क्योंकि कुछ भी हो, मैंने बड़ी गलतियां की हैं, मैंने इतना बड़ा पाप किया है, और कैसे इतनी आशीष मैं पा सकता हूं, मैं कैसे इतना संपन्न हो सकता हूं, मैं इतना विजयी कैसे हो सकता हूं, इतना सफल मैं कैसे हो सकता हूं, ये सब करने के बाद में मैं कैसे सब कुछ हो सकता हूं। जानते हैं, कुछ लोगों को धोखा दिया गया, लूटा गया और उनके पास की सारी चीजें ले ली गई और उन्हें दिमागी और भावनात्मक चोट पहुंचाई है उनके रिश्तेदार और दोस्तों ने और बिजनेस पार्टनर ने, और बहुत से तरीकों से उन्होंने अपने जीवन में दुखों का अनुभव किया है, इतने तरीके से, जानते हैं, अपने दिल में जख्मी हुए हैं। वो तो जख्मी बत्तख जैसे हैं, वो जख्मी है, अपना दर्द लिए चलते हैं और वो आगे नहीं बढ़ सकते। वो हमेशा सोचते रहते हैं, ओ उन्होंने मेरी संपत्ति छीन ली, उन्होंने मेरा ये ले लिया, यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं कुछ कर दिखाता, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया इसलिए मैं इस दशा में पड़ा हूं, यदि ये नहीं होता तो मैं और कहीं पर होता, जानते हैं, मैं ऊंचाई पर रहता था, यदि ये नहीं होता तो मैं कर दिखाता था, इनके कारण मैं इस तरह हूं, जानते हैं। ये सब दोष लगाना, शैतान चाहता है कि आप पहले दोष लगाएं, पहले खुद पर दोष लगाने के लिए कुछ ढूंढ निकाले, और फिर चाहता है कि आप दावा करें अपनी असफलता का। एक बार खुद पर दोष लगाने लगे तो आप दावा करेंगे सारी असफलता का, उन सारी चीजों का जिन्होंने आपको पीछे रखा है और आप जो हैं और जो हो सकते हैं उससे। और लोग बस, जानते हैं, इन बातों में दुख उठाते हैं। बहुत से लोग खासकर दुख उठाते हैं वैवाहिक समस्याओं का। इन दिनों में हमारे देश में भी वैवाहिक समस्याएं हैं, घर घर में तलाक होते हैं, अलग होना है, हर तरह की मुश्किलें होती हैं, वैवाहिक समस्याएं हैं। लोग खुश नहीं हैं, लोग तो दुखी हैं, लोग आंसुओं में हैं, कुछ अलग हो गए हैं तो कुछ ने तलाक लिया है। जानते हैं, एक बहन ने आकर मुझसे कहा, खैर भाई अब मेरा तलाक हो गया है तो प्रभु मेरा उपयोग नहीं कर सकता, अब मैं बेकार हूं। जानते हैं, हालांकि
मैं मसीही हूं, विश्वासी हूं और ये सब, क्योंकि मेरे जीवन में ये गड़बड़ी हुई है। अब प्रभु मेरा उपयोग नहीं कर सकता, मैं बेकार हूं, प्रभु उपयोग नहीं कर सकता। मैंने कहा आपको किसने बताया? उन्होंने कहा बहुत से प्रचारकों ने मुझे बताया। तलाक हुआ तो शांत रहो, क्योंकि प्रभु उपयोग नहीं कर सकता, प्रभु के लिए किसी काम की नहीं, इस तरह की चीजों का प्रभु उपयोग नहीं करता। बहुत से विश्वासियों ने उन्हें बताया, कुछ प्रचारकों ने उन्हें बताया, किसी ने बताया। मैंने कहा कि आपने कभी कैथरीन कुलमन के बारे में सुना है? 1970 में, मुझे वो याद है जब मैं पढ़ रहा था, वो एक महान प्रचारिका थी। प्रभु ने सामर्थ्य उपयोग किया, उनकी सभाएं स्टेडियम में होती थी। यदि उनकी सभा में जाना है तो सुबह जाकर लाइन में खड़े होना पड़ता था, केवल तभी भीतर जा सकते थे उस जगह पर शाम की सभा के लिए, जानते हैं। और उनका विवाह टूट गया था, उनका जीवन असफल रहा, विश्वासी और प्रचारक होने के बाद भी जीवन में असफलता रही, उन्हें यह समस्या थी। और फिर हर कोई, संसार के हर प्रचारक उन दिनों में, ये सन 40 की बात है, सारे प्रचारकों ने उन्हें बताया अवश्य प्रभु तुम्हारा उपयोग नहीं कर सकता, ये साम्र स्त्री के जैसे है। सोचता हूं कि वो कई बार असफल रही, केवल एक बार ही नहीं। और साम्र स्त्री के जैसे उसने यीशु से मुलाकात करने के बाद जाकर सबको बताया, उसने जाकर सारे नगर को बताया, मैं ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने मेरे बारे में सब बताया, उसने कहा आकर देखो, और सारा सामरी नगर वहां आया। यूहन्ना अध्याय 4 में आप इसके बारे में पढ़ते हैं। और फिर उन्होंने भी विश्वास किया, और यहां यह आदमी था जो भविष्यवक्ता जैसे दिखता था, उन्होंने कहा हां अवश्य ये भविष्यवक्ता है, जानते हैं हम उस पर विश्वास करते, लेकिन तुमने कहा इसीलिए हम इस पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि वो स्त्री के कारण विश्वास नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये बहुत ही गलत स्त्री थी जिसके 5 पति हो गए थे और 6 आदमी के साथ रहती थी, जानते उनके लिए प्रचारक नहीं हो सकती थी, देखिए। लेकिन उसने सारा नगर जीत लिया। सच्चाई तो यह है कि उसने जाकर उन्हें बुलाया, उसके द्वारा उन्होंने यीशु के बारे में सुना, उसके द्वारा सारा नगर मसीह के ज्ञान में आया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तुमने कहा, हम विश्वास करते हैं क्योंकि हमने खुद देखा है। किसी भी तरह से उन्होंने विश्वास किया। कैथरीन कुलमन पर इतने दोष लगाते, सब उन्हें नीचे गिराते थे, लेकिन प्रभु ने अपने अनुग्रह और दया में उसे उठाया और आशीष दी। ये प्रभु का अनुग्रह दोस्तों, कोई उन्हें नहीं रोक पाया, उनकी उन्नति कोई नहीं रोक पाया, उन्होंने पूरे संसार को हिला दिया, जानते हैं, अपने संदेश से और चंगाई से और इन सारी बातों से। वो प्रभु के द्वारा सामर्थ्य रूप में उपयोग हुई, ये बहुत अद्भुत है। आप इसके बारे में क्या कहते? मैंने उनकी ओर देखकर कहा, आप क्या कहती इसके बारे में? आप अचानक क्यों विश्वास करती है कि प्रभु आपका उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि आपके जीवन में हुआ है? उसने कहा खैर भाई, मेरी केस में ये मेरी गलती है। खैर, प्रभु का धन्यवाद कि आपने गलती मान ली है, लेकिन बात तो यह है, क्या आपने प्रभु से माफी मांगी है? क्या आप विश्वास करती है कि यीशु का लहू आपके सारे पापों से आपको शुद्ध करता है? मैंने उनकी ओर देखकर कहा, प्रभु आपसे प्यार करता है उतना ही जितना मुझसे या किसी और से करता है। हमारे मध्य में आकर बैठते हुए ये नहीं सोचना कि आप तो कम हैं इन सब लोगों से जो यहां पर बैठे हुए हैं। प्रभु आपसे उतना ही प्रेम करता है और स्वीकार करता है, और मैं आपको स्वीकार करता हूं, आपको यीशु के नाम में स्वीकार करता हूं, जितना प्रभु आपको स्वीकार करता है इस चर्च में, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम रखा। प्रभु आपका उपयोग करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा, और इस गड़बड़ी के कारण प्रभु आपको कुछ भी दूर नहीं रखेगा, और इसके कारण आपसे कोई चीज दूर नहीं रखेगा। ये तो आज के दिन से आगे आपके विश्वास के अनुसार होगा। अब शैतान को भगा दे, आगे बढ़ते जाए, अपने भूतकाल को पीछे छोड़ दे, आपका भूतकाल आपके उज्जवल भविष्य को रोकने न पाए। हेलो, सब लोग आज बिल्कुल शांत हो गए, कह रहे हैं मेरे प्रभु ये किस तरह का नया मसीह प्रचार है। मैं हिम्मत के साथ आपसे कहता हूं कि ऐसे लोगों से प्रभु प्रेम करता, ऐसे लोगों का यहां स्वागत है, और ऐसे लोगों से हम प्रेम करते हैं क्योंकि प्रभु लोगों का प्रभु है, और हम लोगों को स्वीकार करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, और हम उन्हें स्वीकार करते हैं क्योंकि प्रभु ने उन्हें स्वीकार किया। यह हमारा काम नहीं कि हम उन्हें अयोग्य ठहराए किसी भी चीज के लिए। आमेन। यानी इससे फर्क नहीं पड़ता, यीशु का लहू आपके पापों से ज्यादा सामर्थी है, आपकी गलतियों से। आप अब्राहम की आशीष के बारे में कहते हैं, आपको लगता है कि अब्राहम ने कोई गलती नहीं की? हेलो, आपको उसकी आशीष चाहिए? तो मैं आपको बताऊं, वो गड़बड़ियों का मनुष्य है, उसने झूठ कहा,
उसे दूसरी स्त्री से बच्चा हुआ? हेलो हाँ लुकेती, क्या आप अब्राहम की आशीष के बारे में निश्चित हैं? प्रभु कहता है मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। प्रभु घमंड से कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। आज मैं आपसे कहता हूं प्रभु आज आपका प्रभु है, अपने बारे में घमंड करे यीशु मसीह के कारण। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। इसलिए अब जो मसीह यीशु में उस पर दंड की आज्ञा नहीं, जो शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मैं आपसे कहता हूं कोई दंड आज्ञा नहीं है, कोई भी नहीं है। जैसे यीशु ने कहा आज मैं तुमसे कहता हूं, मुझे पता नहीं आज मैं किससे कह रहा हूं, मुझे पता नहीं, शायद यहां कोई लोग होंगे जिन्हें आज ये चाहिए। मैं आपको यीशु के शब्द कहता हूं जो उसने उस स्त्री से कहा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, जाओ और फिर पाप न करना और आशीष पाओ और प्रभु की आशीष की परिपूर्णता में चलते जाओ। आपका भूतकाल आपको रोकने न पाए आपके भविष्य से, आपका भूतकाल बीत गया है, आपका भूतकाल भूल जाए। देखिए संसार भूल नहीं सकता, उन्हें भूलने का वरदान नहीं दिया गया है, ये उन्हें भूलने के लिए नहीं दिया गया है, इसलिए ये टॉक शोज होते हैं और वो भूलने की कोशिश करते हैं। तो वो इन दस्त्रियों को बुलाते हैं जिनका तलाक हुआ है और वो उनकी कहानी पूछते हैं, कहते हैं जब आप अपनी कहानी बताते हैं तब आप इसे भूल सकते हैं। तो वो ज्यादा कहते जाते हैं उतना ज्यादा वो कहानी याद करते जाते हैं, वो सब फिर से याद करते हैं, 1989 में मेरी शादी हुई, पहले दिन से ही समस्या थी, वो मुझे मारता था, ये हुआ वो हुआ, वो शराबी था बेकार था, ये हुआ वो हुआ, जानते हैं। हर टॉक शो में वो जाकर रोते हैं, मतलब मैं उनकी समस्या का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बताने से आप इससे पीछा नहीं छुड़ाते हैं, संसार इसे पीछा छुड़ाने के लिए मार्ग ढूंढ रहा है, उन्हें पता नहीं मेरे दोस्तों कि इससे कैसा पीछा छुड़ाए। तो वे एक साथ आकर इस पर चर्चा करते हैं, वो सोचते हैं केवल इसी तरह से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ये छुटकारा पाने का तरीका नहीं। आज आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आप यहां हैं और यीशु को प्रभु और उद्धारक के रूप में नहीं जानते हैं। आज मैं आपको चुनौती देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उसे स्वीकार करे और वह आपकी मदद करेगा कि इससे पीछा छुड़ा ले दिल और मन से, सदा के लिए और सदा के लिए। यह आपके मन में कभी नहीं आएगा, आप नई सृष्टि होगे, वो इससे छुटकारा देगा। संसार अयोग्य है, संसार भूल नहीं सकता क्योंकि भूलना उन्हें नहीं दिया गया है। और मैं आपसे कहता हूं ये छुटकारा पाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर का वरदान है कि भूल जाएं। हमारे लिए खास वरदान है कि हम भूल जाएं और नई स्लेट के साथ में शुरू करें। यदि आप ये नहीं जानते तो आज जान ले और शुरू करें, आज के दिन से आगे नई स्लेट के साथ शुरू करें। यह आपके लिए प्रभु का वरदान है, आप छुड़ाए गए हैं, आपको आज्ञा दी है और आपको प्रभु की आज्ञा दी गई है कि भूल जाएं और भूल जाएं, भूल सकते हैं। प्रभु कहता है इसे भूल जाए और आगे बढ़े, आगे बढ़ते जाए, उन चीजों को ले ले जिसके लिए प्रभु ने आपको थामा है, उसने आपको पकड़ा है ना, उसने आपको चुना है, उसने आपको बचाया, वो आपके दिल में आया, तो आप अपना भूतकाल क्यों थामे हैं? जिसके लिए उसने आपको पकड़ा है उन चीजों को थाम ले, पीछे न हटे। मैंने एक बहनों की सभा के बारे में सुना था, प्रार्थना की मीटिंग थी ये, कुछ 10 लोग वहां पर आए थे। अक्सर प्रार्थना सभा तो दिलचस्प कहानियों की सभा होती है, तो उस लीडर ने कहा आपके पति कैसे हैं हमें इसके बारे में बताइए। तो एक बहन ने कहा वो नियमित नहीं है, वो काम पर सही तरह से नहीं जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कोई समस्या है, जानते हैं हर घर में कुछ मुश्किलें होती है, तो वो अच्छे पिता नहीं, वो ये नहीं वो नहीं। और वो रोने लगी और सब गौर से सुनने लगे क्योंकि सब लोग अच्छे सुनने वाले हैं। यदि आप हमें बताएं तो ही हम प्रार्थना कर सकेंगे, तो अंत में प्रार्थना आती है, लेकिन 55 मिनट तो केवल ये बकवास सुनते चले जाना है। मैं ऐसी महिलाओं की सभा नहीं चाहता हूं। तो वो सारी कहानी बताते हैं और फिर एक के बाद एक ये सब 9 लोग, आपके पति के बारे में क्या और आपके पति के बारे में क्या, आपके पति के बारे में क्या। एक बहन जो सभा में गई थी उसने आकर मुझे एक कहानी बताई। एक बहन सभा में गई और उन्हें पूछा गया आपके पति के बारे में क्या, वो तो आखिरी थी, और उसने कहा मेरे पति अच्छे हैं,
कोई समस्या नहीं, प्रभु का धन्यवाद, सब कुछ ठीक है। और उन्होंने उनकी ओर देखकर कहा, जानते हैं आपको कुछ बांधे हुए हैं, कोई आत्मा। बंधन की एक आत्मा है, आपके अंदर सब कुछ है लेकिन आप उसे बताना नहीं चाहते। अब ये बढ़कर बताना नहीं है, ये असली कहानी है स्त्रियों की प्रार्थना सभा की। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्तों, केवल कुछ प्रार्थना सभा में न जाना, क्योंकि वो सब बाइबल लेकर इस तरह से जाते हैं, देखिए वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने उनसे कहा कि अब हमें प्रार्थना करके आपको छुटकारा देना होगा इस आत्मा से जो आपको बांधे हुए हैं, जिससे आप कुछ बता नहीं पा रहे हैं, सब कुछ भीतर में दबा कर रखें, जानते उसे बाहर नहीं आने दे रहे हैं, इसे आने दे। तो उन्होंने उसे निकालना शुरू कर दिया, उस दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश करने लगे जो उन्हें बांधे हुए थी। अब बोलो, उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें जाने नहीं देंगे जब तक कि कहानी न बताए, कम से कम कुछ तो बताओ। हमने सोचा कि सबकी कहानी है, सबकी कहानी होनी चाहिए, कैसे 9 लोगों ने कहानी बताई और आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है। नहीं, हमें अपनी कहानी बताओ। उसने कहा, मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं, केवल अच्छी बातें हैं। नहीं नहीं, हमें आप में से आत्मा निकालनी होगी। तो इस बहन ने आकर मुझसे शिकायत की, वो ये कर रहे हैं, तो उस सभा में न जाए। सभा में क्यों जाना चाहते हैं? आपके लिए ऐसी प्रार्थना सभा चाहिए क्या? हेलो, क्या आप यहां हैं? देखिए, शत्रु कुछ ढूंढता है कि वो आप पर दोष लगाएं, कि आप अपने श्रापों का दावा करें, आप जैसे वह वैसे रहने के कारण देखें, आप अपनी असफलता के लिए कारण पाएं। एक बार दोष ढूंढने के बाद में अपनी असफलता को सही बनाना आसान होता है, उसके कारण ही मैं ऐसा हूं भाई, जानते हैं, उससे बाहर आए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और क्रूस ने इसे साबित किया है। प्रभु आपकी ओर देखता है और आपकी ओर देखता है दूसरों से बिना किसी फर्क में, चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हो। ये भूतकाल है और वो भूतकाल ही रहे, इसके बारे में न कहे, हर जगह वो कहानी बताते न रहे, जाकर हर जगह उसकी गवाही देते न रहे। गवाही तो अलग बात है, जिस पर मैं कभी चर्चा करूंगा, जानते हैं। गवाही के समय में हम वही कहानी बताते रहते हैं, उन्होंने मुझे वहां पर बुलाया है भाई, जानते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया है, सब कहानी सुनने के लिए आते हैं, मुझे वो गवाही नहीं चाहिए, खत्म हुआ, वो पीछे रह गया, उन्हें भूलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं उस लक्ष्य और उस निशाने की ओर जो प्रभु ने रखा हुआ है। प्रभु ने आपके लिए बहुत ही अद्भुत चीजें रखी है। भूतकाल में जो भी हुआ उसे भूल जाए दोस्तों, प्रभु ने आपके लिए महान और अद्भुत भविष्य रखा हुआ है, और इसके बारे में कोई भी संदेह न रखे, और यीशु मसीह उस भविष्य की गारंटी देने वाला है। Clapping our hands.